कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अब चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन कोविड 19 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कुल 53,480 नए कोविड 19 के नए मरीज मिले हैं। वहीं 41,280 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 354 लोगों की जान ले ली है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें एकदम 327 नए मामले सामने आए, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जो डराने वाली खबर थी। वहीं शुक्रवार को 110, शनिवार को 123, रविवार को 141 और सोमवार को 156 मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1,370 हो गई। और कल मंगलवार 100 नए मामले सामने आए थे, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1,470 हो गई। वहीं आज बुधवार की बात करें तो आज फिर 180 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1,470 से 1,650 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार से संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।